गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करता हूं सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मयंक। तो आज हम लोगों का इस वीडियो दिखाने आया हूं हीरो की जो नई स्प्लेंडर आई है, जो नया कलर आया है उसके, जो टॉप मॉडल आप कह सकते हैं इस वाली स्प्लेंडर को, जो गोल्डन कहते हैं, स्प्लेंडर गोल्डन जो कलर आया है वो आज आप लोगों को वाली बाइक दिखाने आया हूं मैं। पूरी बाइक की जो डिटेल में दिखाई है मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस के साथ। अगर आप इस बाइक को लोन करवाते हैं, फाइनेंस फैसिलिटी वगैरह मैंने सब चीज़ें आप लोगों को इसमें बताई हैं। तो आई होप आप लोगों की वाली वीडियो पसंद आएगी, और अगर भाई इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं तो वीडियो और सिनेमैटिक्स आप लोगों ने इन्जॉय कर ही लिए होंगे। तो चलो मिलते हैं सीधा वीडियो में आप लोगों को। हेलो दीपक सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। आप बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस आज हम अपनी वीडियो में दिखाने वाले हैं आप लोगों को हीरो की स्प्लेंडर का जो टॉप मॉडल आप तक का जो लेटेस्ट कलर है, आज हम ये वाली वीडियो में देखेंगे। दीपक सर हमें बताएंगे इसकी डिटेल, सर इसकी डिटेल बतानी शुरू करिए बाइक के बारे में प्लीज। सर ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आया है ये, इसमें आपको लिमिटेड एडिशन मॉडल आई है। इसके अंदर आपको हीरो का 3D लोगो मिल जाएगा जो कि आपको फ्यूल टैंक पे मिलेगा, जो कि बड़ा अट्रैक्टफुल और देखने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये जो गाइस आप देख सकते हैं पूरी की जो बाइक है वो मैट कलर में है, और जो उसका लोगो होगा हीरो का वो आप लोगों को 3D में देखने को मिलेगा, हीरो का भी और स्प्लेंडर का भी, जो दोनों लोगो होंगे आप लोगों को इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको ब्लैक अलॉय मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। सेम 18 इंच के होंगे, ट्यूबलेस टायर होगा आपको इसमें, और कॉम्बी ब्रेक मिल जाएंगी इसके अंदर भी आपको। कॉम्बी ब्रेक मिलेंगी? हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं इस दोनों टायर। सर टायर प्रोफाइल बता दीजिए एक बारी। सर टायर प्रोफाइल इसका आपका 8018 का टायर साइज होगा, फ्रंट बैक ट्यूबलेस। हाँ जी, 8018 फ्रंट बैक दोनों सेम टायर, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम टायर आप लोगों का दोस्तों मिलने वाले हैं इस वाली बाइक में। सर इंजन स्पेसिफिकेशन? सर इंजन आपको 100cc का मिलेगा इसमें, जो आपकी 8 BHP की पावर होगी, और इसमें आपको BS6 इंजन मिलेगा, FI इंजन होगा ये भी। FI इंजन होगा ये? हाँ जी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं गाइस पावर स्टार्ट बाइक है, FI इंजन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, हेडलाइट वगैरह सब सर हैलोजन मिलने वाली है? हैलोजन लाइट होगी इसके अंदर आपकी, हैलोजन लाइट होगी जो पहले से ज़्यादा और ब्राइट होगी इसकी, और ज़्यादा ब्राइट, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, सस्पेंशन आप लोग देख सकते हैं गाइस इसके, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला आप लोगों को फ्रंट में, ड्रम ब्रेक मिलेंगी फ्रंट बैक दोनों डिस्क आप लोगों को नहीं मिलेगी। लेग गार्ड सर लगा लगा आएगा बाइक में? जी सर लगा लगा आएगा, लेग गार्ड आपको इसमें इनबिल्ट मिलेगा, लगा लगाया आएगा, कोई इसका अलग से चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा इसमें। एक फीचर इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा और मिलने वाला है, आप देख सकते हैं चार्जिंग का, ये चार्जिंग फीचर जो है नया है स्प्लेंडर में, ये आप लोगों को इसमें मिलेगा, ये भी आप लोगों को बाइक के साथ मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को चार्जिंग इसमें नहीं देखने को मिलेगी। माइलेज क्या देती है सर ये बाइक? माइलेज सर सेम होती है 65-70 की, आपको सिटी में आराम से एवरेज मिल जाएगी इसकी। ओके, अगर आप ऑन रोड या हाईवे पे रहते हो तो आपको 75+ मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। जो पहली वाली स्प्लेंडर थी और इसमें इंजन में कोई फर्क नहीं है? इंजन में कोई फर्क है, फर्क नहीं है, कलर का, कलर और एडिशन मॉडल है ये, बस ये फर्क है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, जो कि इस कलर में आपको इस कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है अब, जब से मार्केट में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ से आए हुए, और बहुत ज़्यादा इस साइड से आप लोगों में लुक जो इसकी चेकआउट कराया था आप लोग देख सकते हैं। साइलेंसर तो आप लोगों को मिलेगा ऊपर से, क्रोम फिनिशिंग आप लोगों को इस पर मिलेगी, बाकी देख सकते हैं गाइस पूरी जो बाइक है। सर पहले वाली जो स्प्लेंडर थी और इसमें क्या फर्क है प्राइस रेंज में? प्राइस रेंज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा सर, एडिशन मॉडल के हिसाब से इसमें 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे, इसके जो आपका ऑन रोड प्राइस होगा इसका 82-800 ऑन रोड प्राइस होगा। 82-800? हाँ जी सर। ठीक है, एक बार सर इसकी साउंड सुना देते हैं बाइक की स्टार्ट करके। साउंड आप लोग सुन सकते हैं जिसकी इंजन से निकल रहे हो, इंजन से कोई साउंड नहीं है। ठीक है, आपको सेफ्टी फीचर के साथ आपको इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाएगा, अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपको इसमें लाइट शो होगी कि आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अगर जबकि बाइक है गाइस अगर गिरती है तो बाइक जो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। हाँ जी सर, आप लोगों को वाला फीचर इसमें मिल जाएगा गाइस। बाकी पूरी बाइक आप लोगों को मैंने दिखा दी है, पूरी बाइक आप लोग चेकआउट कर लिए, पूरे स्पेसिफिकेशन फीचर सब बता दिए हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में, अगर इस बाइक को फाइनेंस करवाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और क्या क्या डाउन पेमेंट है जो आप लोगों को इसमें देनी पड़ेगी, तो वीडियो में बने रहिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे। रोमित सर कैसे हो आप? सर बढ़िया। तो आज हमने व्यूज को हमने बाइक दिखाई है स्प्लेंडर प्लस गोल्डन वाली, जो उसका टॉप मॉडल है स्प्लेंडर का। हाँ जी। तो अगर हम इस वाली बाइक को लोन करवाना चाहते हैं तो लोन हो जाती है भाई? इजीली हो जाएगा सर, इजीली लोन हो जाएगा। तो सर डाउन पेमेंट इसकी क्या आएगी? कम से कम इसमें 8000 रुपये। 8000 डाउन पेमेंट आएगी। तो सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दो, अगर हम इस बाइक को लोन करवाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा। ओके, एक फोटो लगेगी, 4 चेक लगेंगे, 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट, अगर रेंट पे रहता तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, अगर ओनरशिप प्रूफ है तो उसका बिजली का बिल लगेगा। ठीक है,
ठीक है सर, तीन साल तक लोन हो जाएगा जैसे कि आपने बताया सर, ईयरली अगर हम 8,000 रुपए डाउन पेमेंट करें ईयरली, आप हमें ईएमआई बता दो इसकी। इसकी एक साल की जो ईएमआई आएगी सर आपकी 6,906 रुपए की आएगी, ठीक है। दो साल की कराते हो तो 3,832 रुपए की आएगी, ओके। अगर इसके तीन साल के कराओगे तो आपके 2,785 रुपए की आएगी। 2,785, हाँ जी ठीक है। सर ने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, आई थिंक आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो आप शर्मन ऑटोमोबाइल्स का आप लोग पता कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉल करके। ठीक है, इस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।